हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। मैं गया था सोसाइटी में पता करने फसल बीमा के लिए, तो वहाँ मुझे सोसाइटी मैनेजर के द्वारा बोला गया कि अगर आपका केले का नुकसान है तो उसका कोई भरपाई नहीं मिलेगा, अगर गांव भर का हुआ होगा तो शायद सोचा जाएगा। अरे किसान, खेत में बुआई कर दें, सोइंग कर दें और सोचता है कि 15 जून को बारिश आएगी, 20 जून को आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई, तो भी भारत सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि तो भी किसान को मिनिमम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बर्बाद न हो जाए। बारिश नहीं हुआ समय पर, इसलिए धान नुकसान हुआ। तो बीमा का लाभ मिला आपको? बीमा का लाभ तो नहीं मिला है। मेरे ख्याल से पहले जो शासकीय कंपनियों के द्वारा बीमा किया जाता था, गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें कभी कभी क्लेम आया भी था। अभी तो मैं 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ कि कभी भी कोई 1 रुपये क्लेम किसान को नहीं मिला, और ये सीधे तरह किसान का शोषण ही है, और मैं फसल बीमा को अच्छा नहीं मानता हूँ। मेरा ये व्यक्तिगत राय है। ₹3,000 हम लोगों का काट लिए, हर साल काट लेते हैं। पूछने गया था मैं इन साल, वो एक साल भी उसका लाभ नहीं दिए। अब इन साल देखिए उसका भी अभी गोलमोल जवाब दे दिए, कुछ उसमें कोई लाभ नहीं है। अब बिना पूछे 3,500 रुपया मेरा काट लेते हैं। ये वैसे ही सब किसानों का।